जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड के शेयर को अगर आप खरीदने जा रहे हैं सिर्फ ये सुन के कि ये बोनस शेयर जारी करने जा रहा है और दूसरी तरफ ये शेयर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। सिर्फ न्यूज को सुन के और सिर्फ ये अपर सर्किट लगा रहा है ये सुन के किसी भी कंपनी में निवेश नहीं किया जाता है। निवेश करने के लिए किसी भी कंपनी में एक पैरामीटर बनाया जाता है, अगर उस पैरामीटर पे आपके शेयर खरे उतर जा रहे हैं ना तो आप उसमें निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर ये बिना पैरामीटर लगाए सिर्फ ये शेयर बढ़िया है ये सुन के जब जब पैसे आप लगाएंगे नुकसान तय है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल पैरामीटर लगाएंगे जो कि काफ़ी आसान होगा समझने के लिए। पहले कुछ डेटा है जिनको हम क्लियरली यहाँ पे देख लेते हैं और इन सारे डेटा को रियल नंबर में हम देखेंगे जो कि हमको ये बता देगा कि कंपनी में ग्रोथ एक्चुअली में कितना आ रहा है। जोनजुआ ओवरसीज की बात करें तो 14 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है यानी कर्ज मुक्त कंपनी है, सेल्स ग्रोथ रेट लगभग 63% है और प्रॉफिट ग्रोथ रेट 54%, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स घट के 40% आई हुई है। इसके अलावा ROE जो है वो 10.66% है, ROCE जो है वो 9.91% है। अब इन सारे डेटा को क्लियरली देखते हैं नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स हमको ये बता देगा कि कंपनी में एक्चुअल ग्रोथ कितनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, 3696 इसकी रैंक है और बहुत ज़्यादा वॉलेंटाइल है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है इस कंपनी के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। कंपनी की अगर बात करें तो सेक्टर की PE 163 है निगेटिव में और ये स्टॉक डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं देती है। अब हम सबसे जरूरी चीज़ जो पैरामीटर का है वो है कंपनी का रेवेन्यू, तो हम पाएंगे कंपनी के रेवेन्यू में हर साल काफ़ी अच्छे तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ में जो नेट इनकम है कंपनी की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है जो कि एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी में निवेश के लिए। स्मॉल कैप कंपनी है तो ये ग्रोथ बढ़िया है। वहीं अगर एसेट्स मैनेजमेंट को देखें जहां से हमको ये पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर एक्चुअल में ग्रोथ कितनी है, कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि एसेट्स मैनेजमेंट ये बता देता है कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या काम कर रही है और उन मैनेजमेंट के दम पे कंपनी के ऑर्डर बुक कैसे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल रहा है कि कंपनी की एसेट्स में लगातार ग्रोथ हो रही है। 2022 में कम थी लेकिन 23 में कंपनी ने अपने एसेट्स को फिर से बढ़ा लिए, वहीं साथ साथ कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है। कैश फ्लो की बात करें तो 36 लाख का कैश फ्लो आया है 2023 में, इसके पहले कैश फ्लो निगेटिव में चल रहा था 2022 में। 21 में कंपनी के पास 3.17 करोड़ के आसपास में कैश फ्लो थे, यानी कि कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी है, कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी नहीं बन रही है, जहाँ से ये दिक्कत होगी कि कंपनी अपने एक्सपेंशन पे पैसे नहीं लगा पाएगी और वैसे तो कंपनी डेट फ्री है तो वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर कंपनीज है फिलाटेक्स फैशन है, रिमीडियम है और भी किनटेक है, ये सब इसकी कॉम्पिटिटर है। किनटेक की भाई वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई। इसके अलावा अगर कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स देखें तो अगर आप सितंबर 2021 क्वार्टर से लेके मार्च 2023 क्वार्टर में देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपने शेयर्स को छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं ना वो कंपनी के बारे में सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सारे रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा जानते हैं, उनको ये पता होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा रिजल्ट ला के देने वाली है। शायद यही रीज़न है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, अपने शेयर्स को छोड़ के जा रहे हैं। बाकी म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इनके पास बहुत सारे सोर्स रहते हैं किसी भी कंपनी के इंटरनल न्यूज़ को बाहर निकालने के लिए, तो उन लोगों को इस कंपनी में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जिससे वो इस कंपनी में निवेश कर पाए, उनको कोई ऐसी एक्स्ट्रा एज नहीं लगी कि इस कंपनी में निवेश करने पर उनको बेहतर रिटर्न मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने अपने पोजीशंस नहीं बनाए। बाकी इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स अंधाधुंध घुसे जा रहे हैं, शायद इनको ये लगता है कि ये आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो देखिए जब तक ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेंगे तब तक इसमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद इसमें मल्टीबैगर रिटर्न की अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो ये बहुत बुरी चीज़ होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला है फिर कुछ। अगर ऐसे शेयर्स में अगर आप फंसे हुए हैं पहले से, अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और एवरेज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कहाँ तक आप इसको एवरेज करेंगे या फिर ऐसे स्टॉक्स को जिसके फंडामेंटल्स खराब है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके के निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विचार जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ किसी को सुन के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिएगा, भूल के भी मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।